अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में जो है वो पुलिस की भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करना थी। पंजाब भर के तमाम अज़ला में जो है वो भर्ती पुलिस की जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि 3 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। इसके लिए उम्र की हद जो है वो 18 से 22 साल तक मुकर्रर की गई है, और 18 साल से 22 साल उम्र का जो शुमार होगी वो 3 जनवरी 2021 से शुमार होगी। इसके लिए कद जो है वो 5 फुट 7 इंच रखा गया है, और 5 फुट 7 इंच से अगर 1 इंच भी कम हुआ तो वो अप्लाई उम्मीदवार जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा हर ज़िले के डोमिसाइल रखने वाला अपने ही ज़िले में अप्लाई कर सकता है, यानी कि पहले तो एक पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है क्योंकि ये पंजाब पुलिस की भर्ती है। और इसके बाद जो है जो जिस ज़िले में, मतलब सरगोधा में या खुशाब में या चकवाल में, चुनियोट, फैसलाबाद, जंग, लाहौर वगैरह, जो भी जिस ज़िले का डोमिसाइल जिसका होगा वो अपने ही ज़िले में अप्लाई कर सकता है। डोमिसाइल ना भी हो तो उसकी सिर्फ रसीद भी साथ लगा दें तो वो अप्लाई किया जा सकता है। मैट्रिक में कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं, तो कांस्टेबल के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर जिनके नंबर जो है 50% से कम है। सिर्फ ड्राइवर के लिए वो लाइसेंस होना ज़रूरी है, बाकी जो है कांस्टेबल वगैरह या दूसरी जो पोस्टें हैं उसके लिए लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा छाती जो है वो बगैर फलाव के जो है वो 33 इंच होनी ज़रूरी है, और फलाव के साथ जो है वो 34.5 इंच होनी ज़रूरी है। मतलब इसके इससे कम जो है वो छाती अगर होगी तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा तमाम पोस्टों के लिए फॉर्म जो है वो एक ही किस्म के हैं, यानी कि एक ही किस्म का फॉर्म जो है वो तमाम पोस्टों के लिए अप्लाई किया जा सकता है उन्हीं उन्हीं के ऊपर। भर्तियों की तादाद जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। वज़न जो है वो उसकी कोई कैद नहीं है, यानी कि अगर किसी का कम है वज़न या ज़्यादा है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ कद और छाती जो है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए, जो SOPs वगैरह इसके लिए मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा दौड़ जो है वो तकरीबन 1.6 मील दौड़ जो है वो ज़रूरी होगी। वायरलेस ऑपरेटर जो है वो सिर्फ लाहौर में हो रही है, कुर्बान लाइन और एम टी हाउस और कुर्बान लाइन लाहौर में जो है वो वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो है भर्तियाँ सिर्फ वहाँ पे हो रही हैं, इसके अलावा और कहीं पे भी दरख्वास्त जमा नहीं हो रही। हाईवे के लिए जो है वो हाईवे की अपना पुलिस के लिए भर्ती के लिए जो है वो FA होना ज़रूरी है, और उसका स्केल जो है वो 7वां स्केल है। इसके अलावा कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो फॉर्म जमा करवा सकता है, यानी कि उस फॉर्म के ऊपर उम्मीदवार का अपने अंगूठा का निशान और साइन होने के बाद जो है वो फॉर्म जो है फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो फॉर्म जमा करवा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो तमाम प्रोसेस के लिए उम्मीदवार को खुद ही हाजिर होना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम पोस्टों के लिए शेड्यूल जो है अभी तक जारी नहीं हुआ, यानी कि दौड़ का, इंटरव्यू का और दीगर जो इसके बारे में इंटरव्यू के अगला हिस्सा जो होगा उसके लिए अभी तक कोई भी शेड्यूल जो है पंजाब भर में जारी नहीं है, और ना ही इसकी सीटों के बारे में कोई अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आई है कि मतलब कि इसकी कितनी पोस्टें हैं, किस किस कांस्टेबल की है, वायरलेस ऑपरेटर की है या हाईवे पुलिस की है, उसकी पोस्टों की तादाद के बारे में अभी तक कुछ भी जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ, और उसका शेड्यूल जो है अभी तक जारी नहीं हो सका है। और दौड़ के बारे में जो है 1.6 मील दौड़ जो है वो 7 मिनट में पूरी करनी ज़रूरी होगी। इसके अलावा पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस में खवातीन भी बिल्कुल ये अप्लाई कर सकती हैं। SPU में खवातीन की कोई सीट नहीं है। अच्छा, पेट्रोलिंग के लिए जो है वो 25 साल की एज लिमिट रखी गई है, और बाकी जो है वो तो उसी तरह 18 से 22 साल के लिए उम्मीदवार ही जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फैमिली क्लेम के बारे में जो है वो 3 मार्क मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ इंटरव्यू, जो इंटरव्यू तक पहुंचेगा उसको जो है, अगर उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, कि फैमिली में का मेम्बर कोई है उसका पहले से पंजाब पुलिस के अंदर, तो उसके इंटरव्यू में जो है उसे 3 मार्क्स जो है वो सिर्फ मिलेंगे। तस्वीर के बारे में जो है वो एक बहुत अहम बात जो है वो बतानी है कि 8 तस्वीर जो है 4x7 के साइज की 8 तस्वीर लगेंगी, 4 तस्वीर सामने से अटेस्टेड होंगी और 4 तस्वीर जो है वो बैक साइड से अटेस्टेड होंगी, और ये 8 तस्वीर जो है 4 तस्वीर जो है फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और 4 तस्वीर जो है वो एक छोटे से लिफाफे में डाल के फॉर्म के साथ वो अलहदा से उसके साथ अटैच करनी है। मतलब 8 तस्वीर हैं, 8 तस्वीर में से 4 जो है फ्रंट से तस्दीक होगी और 4 जो है बैक से तस्दीक होगी, और इस तरह 4 तस्वीर जो है वो फॉर्म के साथ लगेंगी और 4 जो है लिफाफे के साथ अलहदा बंद करके वो इनवेल्प के साथ जो है वो अटैच कर दी जाएगी। SPU में जो है वो 45% मार्क भर्ती के लिए ज़रूरी हैं। कद जो है वही 5 फुट 7 इंच है, और छाती जो है वो बगैर फलाव के 33 इंच और फलाव के साथ 34.5 इंच है। FA जो है वो ज़रूरी है अपना पेट्रोलिंग पुलिस के लिए, और उसकी एज भी है 25 साल कर रखी है। फॉर्म के ऊपर भी जो है वो फॉर्म सारा फिल करना है, और स्टाम्प इसका लहदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ नोट कर लें, बाद शहरों में जो है वो साथ कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर साथ लगाएं, लेकिन स्टाम्प पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका बयान हेल्थ भी जो है वो उसी
फॉर्म की पुष्ट के ऊपर जो है वो एक बयान एलफी जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है, और उसके नीचे जो है वो सिर्फ एक साइन आपने करने हैं और साथ निशान अंगूठा जो है उसका लगा देना है, और वही वो वाला स्टाम्प पेपर है। इसके अलावा अलग जो है फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर पुलिस मुलाजमीन के बच्चे जो है वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो पुलिस के किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, यानी कि 17 स्केल के किसी भी पुलिस ऑफिसर से जो अपने फॉर्म वालदैन के जो है अपने फॉर्म जो है वो वाले अटेस्टेड करवा के उनकी जो कागजात जो होंगे साथ वो तस्दीक उनसे मतलब करवा के तो वो साथ अटैच करने हैं। ड्राइवर की उम्र जो है वो 30 साल के लिए है। बयान एल्फी में जो है वो मर्द जो है अपना दायां अंगूठा, यानी कि अपना दायां अंगूठा जो है वो उसके ऊपर सब्त करेगा, और खवातीन जो है वो अपना बायां अंगूठा जो है वो सब्त करेंगी बयान एल्फी के ऊपर। पूरे पंजाब में जो है वो आखिरी तारीख वही 3 जनवरी 2021 ही मुकर्र है। ड्राइवर के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है जी, ड्राइवर के लिए जो LTV लाइसेंस होना उसका होना ज़रूरी है, लेकिन बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जिसका नहीं भी है ड्राइविंग लाइसेंस वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा जी अगर FA के बराबर है, अगर किसी का भी डिप्लोमा जो है वो अगर उसने किया हुआ है मैटर के बाद कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है और इक्वलेंट है अगर FA के बराबर है तो वो फिर हाईवे पुलिस में बिल्कुल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उम्र की हद जी दोनों के लिए बराबर है, खवातीन और मर्दों दोनों के लिए उम्र की हद जो है वो बराबर है। इसके अलावा फीस जो है वो 2500 रुपये फॉर्म के साथ ही जमा करवानी है, यानी कि अलहदा से बैंक में जमा नहीं करवानी इसके लिए फीस, सिर्फ 2500 रुपये फीस है जो फॉर्म जमा करवाते हुए वहाँ असालतन ही यानी कि वहाँ पे उसके साथ दे देनी है फीस जो है 2500 रुपये है सिर्फ। इतवार को भी फॉर्म जो है वो जमा हो रहे हैं, इतवार के दिन भी ये सहूलत उन्होंने दे दी है कि इतवार के दिन भी फॉर्म जो है वो जमा हो रहे हैं। इसके अलावा हर ज़िला में जो है ये फॉर्म जो है वो पुलिस लाइन में कहीं कोई पुलिस का जो है सदर दफ्तर है वहाँ पे या जो जो जिस जिस ज़िले ने अपना अनाउंसमेंट की हुई है कि जिस जगह पे उसने फॉर्म जमा करवाने के लिए जो जगह मुकर्रर की है वो अपने अपने ज़िले के हिसाब से जो है वो वहाँ पे फॉर्म जमा करवा सकते हैं। सरगोधा में जो है वो थाना सदर का इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है कि यहाँ पे थाना सदर में जो है ये फॉर्म जमा हो रहे हैं। पेट्रोलिंग में अप्लाई के लिए बिल्कुल FA ज़रूरी है। पूरे पंजाब में फॉर्म एक ही है जी। एक और चीज़ नोट कर लेंगे कि जी पूरे पंजाब में फॉर्म जो है वो एक ही है, तमाम ज़िलों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं है, यानी कि कहीं से भी कोई भी फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब पुलिस की वेबसाइट से, और वही फॉर्म जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने ज़िले के हिसाब से। हाफ़िज़ कुरान के लिए जी कोई इजाफी नंबर नहीं है, ये भी नोट कर लें, और बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट जो है बाद में भी जमा करवाया जा सकता है। तो ये कुछ मालूमात थी जो पुलिस भर्ती के हवाले से जो थी। बहुत ज़्यादा सवालात जो है इसके ऊपर आ रहे थे कि पुलिस में भर्ती के लिए जो है सवालात मुख्तलिफ, कई लोगों को पता था कईयों को नहीं पता था, और मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो है उनके जवाब जो है हमने देने की कोशिश की है, और सरगोधा वेब TV जो है इंशाल्लाह आपको लम्हा व लम्हा इसके बारे में बखबर रखता रहेगा कि जो जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई और जो भी इंशाल्लाह आपकी सहूलत के लिए जो है मद्देनजर आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाएगी। खुदा हाफिज़।